हेलो डिवान, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पात और एलिस जब ऑफिस आते हैं तो पिंक पात के पास आती है और वह उससे कहती है, क्या मुझे तुम्हारा एक दिन मिल सकता है। यह सुनकर पात और एलिस एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, एलिस पात को पिंक के साथ जाने के लिए मना कर रहा था तो पात कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसके साथ सब कुछ सेटल करना है। एलिस कहता है, लेकिन वह तुम्हें कॉल भी तो कर सकती थी, और अगर तुम चले जाओगे तो फिर वर्क कौन करेगा। इस पर बात कहता है, ठीक है तो मुझे एक दिन का डे ऑफ चाहिए। एलिस कहता है, तो तुम उसके साथ जाना चाहते हो? हाँ फाइन, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यह कहते हुए वह बात को अपनी बाहों में उठा लेता है। बात कहता है, मिस्टर एलिस आप ये क्या कर रहे हैं। एलिस कहता है, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम किससे बिलोंग करते हो। यह कहते हुए वह पात के नेक पर किसेस करने लगता है। पात का तभी फ़ोन रिंग करने लगता है तो वह एलिस से कहता है, एलिस कहता है उसे रिंग करने दो। यह कहते हुए वह फिर से किस करने लगता है, लेकिन तभी पात एलिस की बाहों से उतर जाता है और वह जाकर कॉल अटेंड करता है जो भी पिंक का कॉल था। पिंक पात से पूछती है, तुम क्या कर रही थी और तुमने कॉल अटेंड करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। पात कहता है, कुछ नहीं। एलिस जब पिंक का नाम सुनता है तो वह आकर पात को पीछे से हक करके उसे किसेस करने लगता है। पिंक पात से कहती है, मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम कहीं स्पेसिफिक जगह जाना चाहती हो। पात कहता है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। और तभी एलिस पात की पूरी पूरी पर किस करने लगता है। तो यह देख कर पात एलिस से कहता है, मैं अभी कॉल पर बात कर रहा हूँ। लेकिन एलिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर से वह उसे किसेस करने लगता है। पिंक भी आवाज़ सुन लेती है तो पात से पूछती है, बात तुम ठीक तो हो ना। पात कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड कल मैं तुम्हें खुद लेकर चला जाऊँगा। ये कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। एलिस अभी भी पात को किस किए जा रहा था तो पात एलिस को रोकते हुए कहता है, आप बहुत ज़्यादा नोटी है, मैं कॉल पर बात कर रहा था ना। इस पर एलिस कहता है, हाँ कौन ज़्यादा नोटी है एंड तुम इन चीज़ों को अच्छे से सेटल नहीं कर सकती। यह सुनकर पात कहता है, मैं कैसे नहीं कर सकता, और अगर कोई अर्जेंट कॉल होता तो। एलिस कहता है, तुम जानते थे ना कि कॉल पर पेंगी थी और हम दोनों एक साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। यह कहते हुए वह पात को फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, अपने इंटीमेट सेशन के बाद वो बहुत ही आराम से सो रही थी और तभी एलिस को एक नाइटमेयर आता है जिसमें जब वह रन के पास बहुत ही स्माइल करते हुए जाता है तभी वह रन को वह लोगों के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। यह देख कर वह काफ़ी सीड हो जाता है और इस नाइटमेयर के कारण एलिस चौंककर उठ जाता है। और तभी पात उठते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या कोई नाइटमेयर था। एलिस कहता है, नहीं मुझे बस पानी पीना है। यह सुनकर पात फिर से सो जाता है और एलिस गुस्से ही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस पात को बहुत ही टाटली हक करके सो रहा था। यह देख कर पात स्माइल करने लगता है और जब वह उठ कर जाने लगता है तभी एलिस पात को फिर से हक कर लेता है और उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। पात कहता है, लेकिन आज मुझे पिंक के पास जाना होगा। एलिस कहता है, लेकिन कब, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है एंड मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। पात कहता है, लेकिन मुझे सावर लेना होगा और आप फिर से सो सकते हैं एंड प्लीज़ अपने वर्क पर लेट मत होना। यह कहते हुए वह एलिस को मॉर्निंग किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, एलिस पात को रेस्टोरेंट ड्रॉप करता है तो पात एलिस की तरफ मुंह बनाते हुए दिख रहा था। एलिस उससे कहता है, तुम लेट नहीं होना चाहते थे इसलिए बस मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ और तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। इस पर पात कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे ड्रॉप करेंगे। एलिस कहता है, हम दोनों सेम डायरेक्शन में ही आ रहे थे इसलिए बस मैं तुम्हें लेकर आ गया। पात कहता है, लेकिन हमारी कंपनी तो पीछे ही रह गई। इस पर एलिस कहता है, ओ आई थिंक मैं भूल गया। पात कहता है, ओ हाँ और इसलिए आप मेरे साथ आ गई। और फिर वह एलिस को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एलिस पात को पकड़कर उसे किस कर लेता है। यह देखकर पात तो सरप्राइज हो जाता है और वह अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है। एलिस कहता है, हमें किसी ने नहीं देखा और वैसे भी मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम किसके साथ सबसे ज़्यादा बेटर फील करते हो। पात प्लस करते भी वहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद एलिस तिथि के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि आज पात का डे ऑफ है और वह भी नहीं आने वाला तो वह ऑफिस का सब कुछ काम देख ले।
इस पर तिथि उन्हें ओके कहता है। इसके बाद तिथि वॉशरूम के पास जाकर डोर नॉक करते हुए किसी से कहता है कि एलिस और पात आज दोनों ही वर्क पर नहीं आने वाले हैं और इसलिए उसे अभी वर्क पर जाना होगा। ये कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है और तभी एक पर्सन बाहर निकल कर आता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता। पात जब बैंक के पास जाता है तो बैंक पात को बताती है कि उसने उसकी फेवरेट कॉफी ऑर्डर की है। पात इस पर बैंक को थैंक यू कहता है। बैंक पास से पूछती है क्या आज तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉस नहीं आया। पात कहता है नहीं, मिस्टर एलिस अपने वर्क पर गए हैं। यह सुनकर बैंक पात का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तो बताओ तुम मुझे आज कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। पात यह देखकर थोड़ा सा उकड़ हो जाता है और फिर वह बैंक से अपना हाथ छुड़ा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब वे लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकालते हैं तो बैंक फिर से पात का हाथ पकड़ लेती है और तभी हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली उन दोनों को फॉलो कर रहा था। इसके बाद पात बैंक को बहुत सारी जगह लेकर जाता है और एलिस उन दोनों को हर जगह फॉलो कर रहा था। जब वे दोनों रेस्टोरेंट में अपना लंच सेलेक्ट कर रहे थे तभी पात के पास एलिस का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो। पात को उस रिप्लाई देता उससे पहले ही बैंक उस मैसेज को देख लेती है तो फिर वह पात से फूड के बारे में पूछने लग जाती है। पात मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता और वह बैंक की बातों पर ध्यान देने लगता है तो यह देखकर एलिस पात को कॉल कर देता है तो पात को कॉल अटेंड करने के लिए साइड में आना ही पड़ता है और वह एलिस से पूछता है क्या आपको किसी चीज़ की जरूरत है। एलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो पात से कहता है वो मुझे मेरा नेम कार्ड बॉक्स नहीं मिला। पात कहता है लेकिन वो तो टेबल पर ही रखा हुआ था, मैंने तो उसे कहीं भी शिफ्ट नहीं किया है, मैं तिथि को कॉल करके बता देता हूँ। यह सुनकर एलिस पात से कहता है डोंट वरी वो मुझे मिल गया है। यह सुनकर पात स्माइल करता है और कहता है मुझे कॉल रखना होगा। तभी एलिस कहता है तुम वापस कब आने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पात स्माइल करता है और फिर वह एलिस से कहता है मैं अभी लंच करने जा रहा हूँ तो आपको भी आपका लंच कर लेना चाहिए और जब मेरा लंच कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। यह कहते हुए वह कॉल कट करता है और फिर से पिंक के पास चला जाता है। पिंक उससे कहती है कि उसने उसका फेवरेट डिशेज ऑर्डर किए हैं। पात पिंक से कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारा फेवरेट डिशेज ऑर्डर कर देता हूँ। पिंक कहती है तुम्हें अभी भी मेरे फेवरेट डिशेज याद है। पात कहता है तुम जानती हो मेरी मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिंक कहती है आई एम सो ग्लैड तुम्हें अभी भी मेरी फेवरेट डिशेज याद है। ये कहते हुए वह पात का हाथ पकड़ लेती है। पात तो यह देख कर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और दूसरी तरफ एलिस वह तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। पिंक कहती है क्या अभी भी हमारा एक साथ होने का कोई चांस है। पात इस पर कुछ नहीं कहता और बस वह स्माइल कर देता है। लंच कंप्लीट होने के बाद पात के पास एलिस का मैसेज आता है कि लंच कंप्लीट होने के बाद तुम कब आने वाले हो। यह सुनकर पात को थोड़ा शक होता है तो वह चारों तरफ देखने लगता है। यह देखकर एलिस अपने आप को हाइड कर लेता है। तभी एलिस के पास पात का मैसेज आता है कि आपको कैसे पता मेरा लंच हो गया। एलिस कहता है क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और तुम खाना धीरे नहीं खाते हो। पात कहता है लेकिन मैंने अभी तक बैंक से बात नहीं की है। और फिर वह बैंक से पूछता है तो अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। बैंक कहती है मेरे पास बहुत सारी जगह की लिस्ट है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। पात कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर भी तो बात कर सकते हैं एंड मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बैंक कहती है क्या तुम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पूरा एक दिन दोगे और अभी तो सिर्फ हाफ डे हुआ है। यह सुनकर फिर पात भी पिंक को कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पात और पिंक दोनों टेम्पल जाते हैं और जहाँ जहाँ पिंक अपने और पात का नेम प्लेट लगाते हैं वहाँ पर एलिस उसे हटाकर अपने और पात का नेम प्लेट लगा देता है। टेम्पल से आने के बाद वो दोनों जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं और एलिस उन लोगों को फॉलो कर रहा था और फिर वह पात के पास मैसेज करता है क्या तुम्हारा काम हो गया। और पिंक भी यह मैसेज देख लेती है तो वह सीड हो जाती है और फिर वह पात से कहती है क्या तुम्हारा पोस्ट तुम्हें वापस बुला रहा है। इस पर पात कहता है एक्चुअली हाँ और तभी एलिस पात के पास कॉल कर देता है तो यह देख कर पात फिर से कॉल अटेंड करने के लिए जाने लगता है। पिंक को गुस्सा आ जाता है तो पात से कहती है मैंने बस तुमसे एक दिन के अलावा कुछ नहीं मांगा था
और अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते थे और तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे ही बुला रहा है तो तुम्हें मुझे मेरे साथ आने के लिए प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था। यह कहते हुए वह जाने लगती है, लेकिन तभी पात उसके पास जाकर कहता है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। पिंक कहती है, जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हारे रिएक्शन से ही पता चल रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। पात कहता है, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था। पिंक कहती है, मिलकर यही बताना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। यह सुनकर पात चुप हो जाता है। पिंक कहती है, क्या तुम मिस्टर एलिस से प्यार करते हो? पात कहता है, हाँ मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं आज तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं। पिंक कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, और प्लीज़ क्या हम दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं? पात कहता है, लेकिन मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पिंक कहती है, लेकिन तुम उस पर्सन से प्यार कर सकते हो जो तुम्हारे लिए क्लियर भी नहीं है। क्या तुम्हें याद है जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो उसने मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था? उसने कहा था कि वह तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, और अगर वह तुम्हारे लिए इतना ही सीरियस होता तो क्या वह तुम्हारे लिए ऐसा सोचता? और क्या तुम्हें सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है? यह सुनकर पात पिंक को कुछ नहीं कह पाता। तभी एलिस आते हुए कहता है, इससे इसे कोई दिक्कत नहीं है और तुम अब पात के साथ नहीं हो। पात एलिस को वहाँ पर देखकर एलिस से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए? एलिस कुछ नहीं कहता और पात का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। पात इसकी वजह से एलिस से नाराज था तो एलिस उसे बेखक करते हुए किस करने लगता है। पात एलिस को मना करता है। एलिस पात से कहता है, मैं तुम्हें पूरे दिन फॉलो कर रहा था और ऐसे तुम्हें लेकर आ गया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब सिर्फ तुम मुझे तुमसे होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर कर रही थी और तुम बस पिंक पर ही ध्यान दे रही थी। यहाँ सुनकर पात गुस्सा होते हुए कहता है, वह मेरी अक्स है और आप मेरे बस बॉस हैं। एलिस कहता है, मैं बस तुम्हारा बॉस हूँ। यह कहते हुए वह पात को किस करने लगता है। पात एलिस को रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में एलिस को स्लिप लग जाता है। यह देख पात एलिस से कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ये मीन नहीं था। एलिस कहता है, एक बॉस को अपने सबऑर्डिनेट को मॉलिश नहीं करना चाहिए एंड आई एम ट्रेली सॉरी। यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है और यह देखकर पात बस अपना सर पकड़ लेता है। एलिस पात के इस बिहेवियर की वजह से काफ़ी चिढ़ था और वह बस पात की बातें ही सोच रहा था। तभी उसके पास किम का मैसेज आता है और तभी एलिस की नज़र पिंक पर जाती है जो कि पात के घर आती है। तो फिर यह देखकर वह किम को मैसेज करने वाला था कि वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन तभी उसके माइंड में अपनी और पात की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। तो यह सोचते हुए वह फिर उस मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर बस वहाँ से निकल जाता है। पिंक जब डोर पे रिंग करती है तो पात को लगता है कि अभी भी एलिस ही है तो वह डोर को ओपन नहीं करता, लेकिन जब बार बार रिंग होता रहता है तो वह जाकर डोर को ओपन करता है और वह पिंक को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है। पिंक पात से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है तो पात फिर पिंक को अपने घर लेकर आ जाता है। पात पिंक से कहती है कि वह उससे और एलिस से सॉरी कहना चाहती है क्योंकि उसने जो भी कहा था इससे उनके प्यार पर इफेक्ट पड़ सकता है और उसे रियलाइज हो गया है कि उसने जो भी किया था वह बहुत ही बुरा था और उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। पात कहता है, इट्स ओके, मैं थोड़ा सा नाराज था लेकिन अब मैं नाराज नहीं हूँ। पिंक पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? पात कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। पिंक कहती है, क्या मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया? इस पर पात कहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ठीक हो जाएगा। पिंक कहती है, मैं एलिस से बात कर सकती हूँ एंड तुम दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पात कहता है, इट्स ओके एंड मुझे इन सब की आदत है, बाय द वे तुम मुझे कॉल करके भी तो सॉरी कह सकती थी। पिंक कहती है, हाँ लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है और ये तुम्हारे असिस्टेंट को लेकर है। पात यह सुनकर सरप्राइज हो जाता है। रेस्पिक का सीन दिखाते हैं। पिंक जब पात से मिलने के लिए आती है तो वह पात को दीदी के साथ जाते हुए देखती है। यह देखकर वह सोचती है कि वह पात से घर जाकर मिलने की और यही सब सोचते हुए वह जब जाने लगती है तभी वह तीरा नाई से मिलती है। पात कहता है, लेकिन तुम तीरा नाई को कैसे जानती हो? इस पर पिंक बताती है कि उससे ब्रेकअप करने के बाद वह उसी के साथ थी। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं, तेरा नाई पिंक को रेस्टोरेंट लेकर आता है और फिर वह उससे कहता है, जब हम लोग अमेरिका में अलग हुए थे उसके बाद तुम क्या करती थी?
पिंक बताती है कि वह स्टडी और वर्क करती थी। तीरा नाई कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपने फैमिली बिजनेस को संभालने वाली हो, तो क्या तुम मेरी वजह से नहीं कर पाई? पिंक डर जाती है तो वह तीरा नाई से कुछ नहीं कह पाती और फिर वह बात को बताती है, मुझे नहीं पता था कि ती तुम्हारे बॉस का रिलेटिव है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी कंपनी नहीं आती, क्योंकि तेरा नाई पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया करता था। बातें सुनकर कहता है, तो फिर तुम उसके साथ डिनर पर क्यों गई? पिंक कहती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। एंड तुम नहीं जानती, ती को जो भी कुछ ये होता है वह उसे पाकर ही रहता है। पात कहता है, लेकिन तुम तो मुझे मेरे असिस्टेंट के बारे में बताने वाली थी, तो तेरा नाई कैसे आ गया? पिंक कहती है, क्योंकि तुम्हारा असिस्टेंट उसका पार्टनर है, और जब मैं अमेरिका में थी तो तीने मुझसे कहा था कि उसके एक रिलेटिव ने उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया है, और वह हमेशा ही मुझसे कहा करता था कि वह अपनी कंपनी को वापस लेकर आएगा। एंड आई थिंक तुम्हें तुम्हारे बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए। टीका पार्टनर तुम्हारे साथ काम करता है, इसका मतलब टीका कुछ ना कुछ प्लान होगा। बात घबराते हुए कहता है, क्या उसे हम दोनों के बारे में पता है? पिंक कहती, काम डाउन, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है। बात कहता है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मुझे आगे क्या करना होगा। दूसरी तरफ आई होम तिथि के पास आती है, क्योंकि वह लेट नाइट तक वर्क कर रहा था, और उससे कहती है, तुम अभी तक रुके हुई हो, क्या बॉस ने तुम्हें ज़्यादा काम दिया है? तिथि कहता है, नहीं, इतना भी ज़्यादा काम नहीं है। आई होम कहती है, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, और जब तुम जाओ तो लाइट्स को ऑफ कर देना। इस पर तिथि ओके कहता है, और आयम के जाने के बाद तिथि के पास तेरा नाई का मैसेज आता है कि सब कुछ कैसा रहा। यह रीड करने के बाद तिथि एलेस के ऑफिस आता है, और जब ऑफिस खाली होता है तो वह तेरा नाई के पास मैसेज कहता है कि मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ। यह कहते हुए वह एलेस के कंप्यूटर को ओपन कर लेता है, और तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में एंटर कर रहा था, और दूसरी तरफ तिथि एलेस के कंप्यूटर से सभी डाटा को ट्रांसफर कर रहा था। इसी के साथ एपिसोड कम्प्लीट हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।